झारखंड एक ऐसा राज्य है जो प्रकृति के आकर्षणों से भरा हुआ है और इन्हीं में से कुछ झरने भी शामिल है जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे खूबसूरत झरने झारखंड के लगभग हर जिले में हैं, जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं। झरने में ऊंचाई से जमीन पर गिरते हुए पानी को देखना मन को एक सुकून देता है। झारखंड के वाटरफॉल की खूबसूरती की मिसाल पूरे देश में दिए जाते हैं। झारखंड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आश्चर्यचकित कर देने वाली वाटरफॉल्स है। इन वाटरफॉल्स की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि यहाँ हर साल लगभग हजारों सैलानी सिर्फ वाटरफॉल की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। अगर एक तरह से कहा जाए कि झारखंड अगर अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है तो वाटरफॉल्स उनमें से एक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में बहुत सारे झरने होने के कारण रांची को लैंड ऑफ वाटरफॉल का दर्जा भी दिया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और जो झारखंड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आज मैं आपको झारखंड के 10 ऐसे खूबसूरत झरनों के बारे में बताने जा रही हूँ जो प्रकृति के रोमांच से भरपूर है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर पे आता है तिरू फॉल। तिरू फॉल राजधानी रांची से पश्चिम की ओर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बुढ़मू प्रखंड में स्थित है। अपनी खूबसूरती और हसीन वादियों के कारण यह जलप्रपात लोगों के लिए एक बेहतर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बुढ़मू से बाहर जैसे रांची या अन्य जगहों से भी कई लोग यहां घूमने पहुंचते हैं। यहां के मनोरम दृश्य, खूबसूरत वादियां और पहाड़ों से गिरते झरने आपका मन मोह लेगा। 9वें नंबर पे आता है तामासिन वाटरफॉल। तामासिन जलप्रपात झारखंड राज्य के चतरा जिले के इटखोरी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, जो कि चतरा से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक छटा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। तामासिन वाटरफॉल झारखंड के जंगलों और पहाड़ों के बीच मुख्य रूप से बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ झारखंड के अलावा कई जगहों से प्रकृति प्रेमी एवं सैलानियों का भीड़ उमड़ता है। नए वर्ष के अवसर पर यहाँ काफी चहल पहल देखने को मिलती है। 8वें नंबर पे आता है हिरनी फॉल। रांची से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिरनी फॉल की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को काफी दूर दूर से खींचकर ले आती है। लोग नए साल पर यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं। पहाड़ियों के बीच गिरता झरना और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच पिकनिक का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। यह फॉल पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड में स्थित है। झरने का पानी 300 फीट ऊपर से गिरता है। हिरनी फॉल की सबसे बड़ी खासियत है कि यह घने जंगल के बीच पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ दिसंबर पहले सप्ताह से ही सैलानियों का आना आरंभ हो जाता है, जो मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी रहता है। 7वें नंबर पे आता है भटिंडा वाटरफॉल। भटिंडा वाटरफॉल धनबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कई लोगों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्पॉट है। यह हरियाली और पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनोरम स्थान है। यहाँ झरने शांति और एक उदासीन आकर्षण की भावना पैदा करती है। यह जगह हमें शांति और शांतिपूर्ण परिवेश का अनुभव करने का मौका देती है। 6ठे नंबर पे आता है जोन्हा वाटरफॉल। जोन्हा वाटरफॉल झारखंड में स्थित एक मनोहारी जलप्रपात है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 41 किलोमीटर है। पक्की सड़क होने के कारण इस स्थान तक पहुंचना सरल है। जोन्हा फॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 700 से अधिक सीढ़ियां बनी हुई है, जिसकी मदद से आप जोन्हा फॉल तक पहुंच सकते हैं। फॉल तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक, आप शॉर्टकट से थोड़ा रिस्क लेकर के डायरेक्ट फॉल तक पहुंच सकते हो, और दूसरा थोड़ा लंबा और घुमावदार है, जो कि पूरी सीढ़ियों से बना हुआ है। 5वें नंबर पे आता है मोती झरना।
मोती झरना झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। यह साहिबगंज जिले के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। ऊंची ऊंची पहाड़ और झरने के आसपास लगे केले के पत्ते और आसपास की हरियाली इस जलप्रपात की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस झरने के पास ही मंदिर है जो गुफा के अंदर है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है जिसे मोती नाथ भी कहा जाता है। इस कारण यहाँ के झरने का नाम मोती झरना पड़ा। इस जलप्रपात की मनमोहक खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप कभी साहिबगंज जाए तो इस जलप्रपात को देखने और आसपास के मनमोहक दृश्य का लुफ्त उठाने अवश्य जाए। यह झरना राजबहल नामक पहाड़ियों से तीन भागों में विभाजित होकर गिरता है जिसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। चौथे नंबर पे आता है पेरवा घाघ। यह खूंटी जिले से तोरपा प्रखंड मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कबूतर व ऊंचाई से मिलाकर बना है पेरवा घाघ शब्द। स्थानीय लोग बताते हैं कि पेरवा का मतलब कबूतर व घाघ का मतलब ऊंचाई से गिरता पानी है। इन्हीं दो नामों से मिलकर बना है पेरवा घाघ। यहाँ कोयल तथा कारो नदी की संगम का पानी 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। पेरवा घाघ में दूर दूर तक फैली नदी, उसमें खड़े बड़े बड़े चट्टान और उनसे टकराकर बहती पानी, यह दृश्य देखकर आंखें ठहर सी जाती है और कदम रुक जाते हैं। ऊंचे पहाड़ों व घने जंगलों के बीच स्थित पेरवा घाघ जलप्रपात के आकर्षण दृश्य का लुफ्त उठाने दूर दूर से सैलानी पहुँचते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दशम फॉल। दशम फॉल झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर रांची टाटा मार्ग पर तयमारा गांव के पास स्थित है। यहां कांची नदी 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह खूबसूरत झरना प्राकृतिक नजारों से घिरा हुआ है। दशम फॉल में लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। लोग परिवार के साथ प्रकृति की खूबसूरती को निहारने पहुँचते हैं। इस फॉल में बरसात के मौसम में व्यू पॉइंट से लोगों को घाटी से नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह जलप्रपात की धारा में नहाए नहीं या नहाते वक्त खास सावधानी बरते। दूसरे नंबर पे आता है हुनरू फॉल। हुनरू फॉल रांची से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह वाटरफॉल झारखंड राज्य का प्रसिद्ध वाटरफॉल है। हुनरू फॉल रांची के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शहर में आने वाले लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि वे शहर में रहने के दौरान रांची पुरुलिया रोड पर स्थित यह स्थान पर जरूर जाएं। हुनरू वाटरफॉल 98 मीटर यानी करीब 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। हुनरू जलप्रपात झारखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने वाले पानी का शानदार दृश्य लंबे समय से लोगों में काफी लोकप्रिय है। इस प्राकृतिक झरने के ऊंचाई से गिरने का लाभ झारखंड राज्य को पन बिजली के रूप में विगत 50 वर्षों से प्राप्त होता आ रहा है। पहले नंबर पे आता है लोध वाटरफॉल। लोध वाटरफॉल झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। लोध वाटरफॉल नेतरहाट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोध वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों में काफी लोकप्रिय भी है। लोध वाटरफॉल झारखंड का सबसे ऊंचा झरना है जो 468 फीट की ऊंचाई से गिरता है। लोध वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि जो भी पर्यटक यहां आते हैं वह इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप भी कुछ ऐसे ही बेहतरीन वाटरफॉल घूमने की शौकीन हैं, तो झारखंड के इन वाटरफॉल पर अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ जरूर जाएं। अगर आपकी कोई फेवरेट वाटरफॉल रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।